हेलो नमस्ते नमस्कार श्री श्री अकाल आदाब वड़कम एंड यू आर विद नम्रता। सो गाइज, अगर आपको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है, लाइक आप एकदम हेयर स्टाइल में ना ज़ीरो हो, आपको इवन चोटी तक बनानी नहीं आती है, तो भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चार एकदम आसान और दिखने में बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं ये सारे ही हेयर स्टाइल। सो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे मिडल पार्टीशन कर लें, बीच में से इस तरीके से आपको मांग निकाल लेना है। मांग निकालने के बाद एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली से मांग निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से, ठीक है, ये जो आपका मांग है उसके बीच में से बस ऐसे अपने दो फिंगर्स को इस तरीके से यूज़ कीजिए और ऐसे सर्कल, बस एक ऐसे सर्कल बना के पीछे आपको लेके जाना है। बस इस तरीके से आपको सर्कल बना लेना है। अब जितने हेयर आपके हाथ में आ गए ये ऊपर के, बस आप इसे ऐसे ले लें। थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे ले लूँगी, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, और थोड़ा सा यहाँ से बस। और गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हल्का सा मैसी रहा तो भी चल जाएगा। सो ये रबर बैंड लगाने से पहले अपने नीचे के सारे हेयर्स को ना एक साइड कर लें, जिससे कि ये बिल्कुल भी दिक्कत ना दें आपको रबर बैंड लगाने में। बस यहाँ पे आप रबर बैंड लगा लें। सो बस इस तरीके से इसे टाई कर लें। अब ये जो फ्रंट वाला हेयर है उसे हम लेंगे इस तरीके से, जो पूरा हेयर है आगे के जितने हेयर है ना, आपको ईयर तक का पूरा हेयर लेना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने आगे का हेयर अगर कटिंग है तो ऐसे निकाल लें और इसे आपको पीछे लेके जाना है। अब ये वाले हेयर को आपको इस रबर बैंड के ऊपर लेके जाना है। देखिए आसान है, बस लगेगा कि थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत आसान है। इसके ऊपर ले जाएं और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे बॉबी पिन लगा दें। बस इसी तरीके से दूसरे साइड का भी हेयर लेके जाएंगे और इसके ऊपर ले जाएं और इसे ऐसे इसके अंदर इसको आगे कर लें। गाइस, यहाँ पे छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, बॉबी पिन को इस तरीके से बालों में लगा लें और फिर उसके बाद जो पिन है उसे इस तरीके से सीधे अंदर आप ऐसे डाल दें, फिर इसे अंदर सीधे ऐसे घुसा दें। तो गाइस देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है, पर दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एलिगेंट लगता है। बड़े ही आसानी से आप ये बना सकते हैं। सो गाइस, मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, लेकिन अगर ये जो साइड के हेयर आपको ऐसे निकले हुए अजीब दिख रहे तो आप इस तरीके से अंदर बॉबी पिन लगा सकते हैं। बट मैं बोलूँगी आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये काफ़ी क्यूट दिखेगा, बट स्टिल एक ऑप्शन देने के लिए मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने ही जल्दी और आसानी से बन गया ये हेयर स्टाइल। ऐसे हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो अब नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए आपको यहाँ ईयर से इस तरीके से अपने थंब को यूज़ कीजिए और ईयर से पूरे अपने हाफ हेयर को पीछे ले जाए कुछ ऐसे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो इस तरीके से मांग वाला रख सकते हैं या आप चाहें तो पूरे हेयर को इस तरीके से कोम करके पूरा पीछे ले जाएं। तो इस वाले हेयर स्टाइल में मैं पूरे हेयर को पीछे ले जाऊंगी। अब ये रबर बैंड बांध लेने के बाद आपको इतना थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर एक और रबर बैंड बांधना है। अब ये रबर बैंड बांध लेने के बाद आपको इसे इस तरीके से पुल करना है बाहर की तरफ। बहुत ही इजी है गाइस, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निक नहीं है या बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको बस ऐसे पुल कर लेना है, चारों तरफ से हल्का हल्का पुल करें। फिर से हम एक रबर बैंड बांधेंगे और फिर से वैसे ही हल्का हल्का बाहर पुल करेंगे। सो
आप देख सकते हैं बस थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के रबर बैंड लगा के उसे मैंने पुल किया है हेयर को, और ये कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब इस हेयर स्टाइल में क्या करना है, आपको बीच में से इस तरीके से मांग निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है गाइस। और आगे से अपना फ्रंट हेयर लें और थोड़ा थोड़ा सेक्शन, ज़्यादा नहीं, बस दोनों साइड से इतना इतना हेयर सेक्शन ले लें। लेके यहाँ बीच में आपको रबर बैंड से बस इस तरीके से टाई कर लिया। इसे टाई कर लिया, फिर आपको थोड़ा सा और सेक्शन लेना है दोनों तरफ से। अलग से आपको ये वाला जो बना है उसके थोड़ा नीचे रखिएगा, बस थोड़ा नीचे रख के बस इस तरीके से रबर बैंड से बस टाई कर ले। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल हेयर स्टाइल नहीं आता। ये हेयर स्टाइल ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा दिखता है और ऐसा लगता है कि एकदम मस्त। अब ये दो बनने के बाद आप क्या करना है, बस इसको बाहर निकालना है और फिर इसके अंदर डालना है। फिर ये वाला जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसको फिर से इस तरीके से बाहर निकाल लें और फिर इसको घुमा के ऐसे बस अंदर बाहर इस तरीके से घुमाना। फिर इसमें से थोड़ा सा जगह बचा, ये कर लेने के बाद आपको इन दोनों को ऐसे पीछे ले जाना। सो गाइस, पीछे से ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो है ना ये सुंदर और सरल हेयर स्टाइल। सो गाइस, जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है, जो इससे पहले मैंने बताया कुछ, उसमें का ही एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं उससे डिफरेंट है, बट जो स्टेप है वो सिमिलर है। साइड साइड में से थोड़े थोड़े और सेक्शन लेके इसी में आपको अटैच कर देना है। अब इन सारे हेयर को पीछे ले लें। आपको ये सुंदर सरल हेयर स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और गाइज, मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है अपने नीज और नेफ्यू के साथ, अपने भतीजी और भतीजे के साथ। वो चैनल फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फन और चैलेंज से भरा हुआ है। वैसे वीडियोस देखना आपको पसंद है तो डू चेक आउट दैट चैनल एज वेल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आई बटन पे दे दूंगी, जाके जरूर चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल है, प्लीज़ गाइज सपोर्ट करें। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड बी स्टाइलिश।